अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाँ जी, कैसे हो आप सब? अच्छे होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। मैं भी काफ़ी पहले से बेटर हूँ, 95% ठीक हो गया या 5% और है। और मैं ना अपनी ड्रिंक पी लिया था, चिया सीड वार्म वाटर विथ हनी, वो पी लिया था मैंने 12:30 तक की। और अभी 1 बज रहे थे ना, तो वो रेडीमेड वाले चिंग्स के हॉट स्वीट कॉर्न सूप नहीं आते, वो मैंने लिया था 2 पैकेट, घर पे ही पड़े हुए थे। तो मैंने एक बोल अपने लिए लिया था, एक बोल शॉकिंग के लिए, हमने वो पिया था। और वो भी मेरे साथ अभी लेट सो के जब पी है, क्योंकि उसकी भी स्कूल बंद है, तो इसकी वजह से। और इसके बाद ना मुझे बनाने थे गरम मसाले। ये ना बहुत अच्छी सी एक सूप हो जाती है, कोई सी भी मसाले वाली, स्पाइसी या स्वीट कॉर्न, मज़े की होती है और हेल्दी भी होती है। घर पे बनाओ बहुत ज़्यादा अच्छी बात है, पर ये पैकेट वाली जो होती है ना, मुझे ये भी बहुत अच्छी लगती है, मैं ये भी पी लेती हूँ। अभी भी मेरे गले में थोड़ी प्रॉब्लम है, तो अब थोड़ा मैनेज कर लेना। मेरे पूरे ना गरम मसाले ख़त्म हो गए थे, तो उसके लिए ना मैं गरम मसाले बना रही थी। यहाँ पे मैंने इलायची ली थी, और जितनी इलायची ली थी उतनी ही लौंग ली थी, और दालचीनी ली थी, और वो जायत्री या जावित्री जो होती है वो ली थी, बड़ी इलायची ली थी, अनसा ज़ीरा लिया था और काली मिर्ची ली थी। आप यहाँ पे वो भी डाल सकते हो, क्या बोलते हो उससे हम, जायफल, वो भी डाल सकते हो, पर मेरे पास घर पे नहीं थी तो मैंने वो नहीं डाला। और मैंने इन सब चीज़ों को पीसा, तो ना जब मसाले बना रही थी, इसका पाउडर बना रही थी, जब ये मोटे मोटे ही कूट मतलब दरदरे ही पिसाए थे ना, तभी मेरी मिक्सी ख़राब हो गई। और मैंने ना बहुत चलाने की कोशिश की ना, पर मिक्सी नहीं चली। मेरे बगल में ही है अरशद नाम करके एक लड़का, वो ठीक कर देता है, छोटा सा है, पर ये सब काम ना उसे अच्छे से आती है। तो मैंने सोचा वो स्कूल से आएगा तो मैं उससे करवा लूँगी, पर नेक्स्ट डे मेरी मिक्सी ठीक हुई थी, तो मैंने सोचा कि अभी बाहर वैसे ही जार में रखूँगी ना, तो उसकी खुशबू ख़त्म हो जाएगी, मसाले फिर अच्छे नहीं रहेंगे। तो मैंने मसाले वाले बॉक्स में ही मसाला करके रख दिया। वो इतनी मोटी मतलब थी, इतनी भी मोटी नहीं थी, मतलब किसी चीज़ में यूज़ हो सकती थी, पर मैं इतनी मोटी नहीं रखती हूँ। उसके बाद ना मेरी फूफी आई हुई थी, मेरी 2 फूफी है, एक तो मोहल्ले में ही रहती है पास में, और एक अगर 2 घंटे दूर है, छोटी फूफी आई हुई थी। तो उन्होंने बोला कि बड़े बिरयानी शिरयानी बहुत सारे वीडियो आ रहे हैं, तुम बहुत अच्छे से डिशेस बना रही हो। तो उन्होंने बोला आप मेरी वीडियो देखती है, तो उन्होंने बोला हाँ मैं तुम्हारी वीडियो देखती हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं आपके लिए भी आज कुछ बनाती हूँ। तो मैं ना उनके लिए मुरादाबादी बिरयानी बना रही थी, तो यहाँ पे मैंने 1/2 kg चिकन लिया था, 3 आलू लिए थे, आलू ऑप्शनल है, आप लेना चाहो तो लें वरना ना लें। तो मेरे घर में बिना आलू की ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं जो नहीं बनती है, मतलब वो बिरयानी एंड ऑल आलू चाहिए ही शाकरेन को। तो यहाँ पे मैंने ना हरी मिर्चें 9 पीस मैंने हरी मिर्चें ना चॉप कर लिया था, वो आपको चॉप करके डाल लें। और यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जितना तीखा खाना पसंद करते हो। फिर मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज़ के नींबू थे मेरे पास, तो उसका पूरा जूस लिया था। मैंने यहाँ पे 2 चम्मच गरम मसाला डाला था, छोटी वाली टेबल स्पून जो आती है उससे 2 टेबल स्पून, और मैंने 2 टेबल स्पून सौंफ का पाउडर डाला था, और धनिया और ज़ीरा का जो मैं दरदरा कूट के रखती हूँ वो मैंने 2 चम्मच डाला था, और यहाँ पे मैंने दही डाला है 3 चम्मच, और काली नमक जो नमक वाइट नमक जो होती है प्लेन वाली वो मैंने डाला, और 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। और इन सबको ना मैरिनेशन करके मैं रख दूँगी मैरिनेट होने के लिए कम से कम 1 घंटे, 1 घंटे 1/2 घंटे जितना भी। और इसके बाद ना मैं मैरिनेशन करके गई थी बाहर पे, अंकल आ गए थे, तो मेरे घर की टमाटर ख़त्म हो गई थी मैं वो लेने के लिए। तो फिर ना वहाँ पे एक सीन हो गया यार, मतलब जब मैं टमाटर लेके आई ना, तो अंकल, मैं उनसे हमेशा सब्ज़ी लेती हूँ, तो वो भी मतलब हमेशा आते तो आवाज़ लगा देते, तो ना टमाटर उन्होंने बोला कि 60 रुपये kg है, तो मैंने बोला कि ठीक है अंकल दे दीजिए 1/2 kg। तो उन्होंने, मैंने एक बार बोला अंकल 50 की नहीं लगाएंगे, तो उन्होंने 50 की लगा दी। तभी पास से एक आंटी आई, मेरे पास की है वो, तो उन्होंने बोला कि सब्ज़ी कैसे है, तो उन्होंने कुछ सेम वेम थी तो उनको बताया, तो उन्होंने खूब उनसे झगड़ा करने लगी कि मतलब आप अपने ही दाम लगा रहे हो, पर जबकि उन्होंने कम कर दिए थे, 10 रुपये कम कर दिए थे। कोई सब्ज़ी वाले इतने ज़्यादा कम नहीं करते, मैं पर्सनली मार्केट से अगर लाती हूँ तो बिल्कुल भी नहीं करते। तो वो भी तो पैदल या साइकिल से इतनी दूर से अपनी टाली लेके बेचने के लिए आते हैं आप दूसरे के मोहल्ले, 10 रुपये बचाने के लिए, 10 रुपये एक्स्ट्रा कमाने के लिए। फिर भी हमारे बोलने से अगर आप इखलाक अच्छा है आपका, तो वो मना कर मतलब कम कर देते हैं फिर भी।
तो वो उनकी मर्जी है ना, मतलब हमारी चीज़ है तो हमारी मर्जी, हम कम करें ना करें, इट्स योर चॉइस। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ ना कि मैंने टमाटर ले ली और घर आ गई मैं। उसके बाद ना फिर एक और आंटी आई, वो आंटी सब्ज़ी ले ही रही थी, तो उन आंटी ने पूछा ना कि टमाटर कैसे, तो उन्होंने 60 रुपये वाला बोला, तो उन्होंने बोला कि नहीं 25 रुपये के जी, अभी उस लड़के को दिया उन्होंने 25 रुपये, मेरा नाम लेके बोला कि राबिया को इन्होंने 25 रुपये दिए, तो उन अंकल ने बोला 25 रुपये तो नहीं दिए, तो उन्होंने बोला 50 रुपये लगाया मैंने उस, तो बोला नहीं 25 रुपये दिए, तो मतलब बहुत थोड़ा झगड़ा वगड़ा उन लोग का होने लगा। झगड़ा मीन्स मतलब ऐसा चिल्ला चिल्ली कि नहीं आप ऐसे लगा रहे हो वैसे लगा रहे हो एक गाँव में आके फलान ढिमकान। तो मैं ना ये सब देख के मतलब मैं किचन आ गई थी, तो मैंने आवाज़ सुनी ना तो मैं बाहर निकली, तो मैंने देखा कि ये क्या हो रहा है, उन्हें ही सब सुना रहे थे दोनों आंटी। तो मैं गई बाहर, तो मैंने देखा तो उन आंटी ने बोला कि तुम्हें कितने की टमाटर लगाई, मैंने बोला 50 की लगाई है, क्या हो गया, तो बोला 25 की लगाई, मैंने बोला आधा के जी लिया आंटी तब 25 की मिली है, तो उसने बोला अच्छा, तो मैंने बोला कि अगर मुझे 25 की भी लगाए तो आपको क्या, आपको भी ज़रूरी है कि 25 की ही लगा दें, अगर आपको 20 की लगाएंगे तो मुझे 25 की लगाएंगे तो क्या, उनकी मर्ज़ी है उनकी चीज़ है, वो मुझे कैसे दे आपको कैसे दे, तो इनसे उनसे इतनी बदतमीज़ी करने की क्या ज़रूरत थी। तो वो आंटी ने मेरे से लड़ाई कर ली, लड़ाई मीन से ही मतलब बोलने लगी कि तुम क्यों बोल रहे हो, मैंने बोला कि तो किसी को इतना ऐसा तू मैं करके बात करने लगी थी उनसे, मतलब इतना करने का ज़रूरत नहीं है, अगर वो आपके मोहल्ले में आया है तो वो गिरे हुए तो नहीं है, वो पैसा कमाने आया है, और आपके पास कोई आ रहा है तो उन्हें डिसरिस्पेक्ट तो मत कीजिए, आप अच्छे से बात करती ना वो आपको भी लगा देते, और उन्होंने आपको भी लगा दिया सेम रेट जैसे मैंने लिया था, तो फिर क्यों लड़ाई कर रही है। तो मैंने उन आंटी को बोला, दूसरी वाली आंटी को, ये आपने करवाया है ना, आपने ऐसे बोला, तो बोला हाँ हमने बोला हमको लगा, मैंने बोला लगने की वजह से तो आपने कितना फालतू का कर लिया। तो उनके बाद उन्होंने टमाटर नहीं लिया, दूसरी आंटी चली गई, और जो पहली वाली आंटी जिन्होंने आग लगाई थी उन्होंने सब्ज़ी ली, और उसके बाद उन्होंने सब्ज़ी का भी दाम कम करवा लिया था अंकल से, उसके बाद भी उन्हें सुकून नहीं आया, उसके बाद बोला तुम अपना दाम लगा रहे हो, उन्होंने बोला नहीं मैंने कम कर दिया, वो अंकल काफ़ी छोटे थे वो आंटी काफ़ी बड़ी थी, तो उन्होंने बहुत उसको आंटी ने डिसरिस्पेक्ट करने में लगी सब्ज़ी वाले अंकल को, बहुत बोलने लगी, और ना उनके सारी सब्ज़ी ऐसे उड़ा के बिल्कुल फेंक दी, जो उनकी टाली में आधी आधी गई आधी रोड में गई। उन अंकल ने बोला कि अगर आपको सब्ज़ी नहीं लेना है तो आप फेंकें क्यों, आप फेंकिए मत, आप मेरे से बड़ी हैं फिर भी आप ऐसे हरकत करें, अगर मैं आपके साथ ऐसे करता तो आप अभी कितना ड्रामा कर देते। तो मैंने भी वहाँ पे बोला कि हाँ सही बोल रहे हैं, अगर आपको बन नहीं रहा है इनसे सब्ज़ी लेने में या जो भी हुआ है, तो फिर आप किसी की चीज़ ऐसे बर्बाद या फेंक तो नहीं सकती हैं ना। तो उनको मतलब उनका मुँह बन गया मेरे लेके, तो फिर मैंने बोला कि आपको मेरे से मुंह बनाने की कोई ज़रूरत नहीं, ये गलत था इसलिए मैंने बोला, और आप किसी के साथ ऐसे नहीं कर सकते, आपने अच्छे से बात किया, उन्होंने देखे आपको कम कर दिया, और अगर आपको नहीं दाम पसंद आ रहा है तो भाई सब्ज़ी मत लो दूसरे से ले लेना, फेंका फेंकी क्या है, अगर वो गुस्से में कुछ बोल देते उल्टा सीधा या मतलब, तो गलत बात है ना यार कि दूसरे मोहल्ले से अगर कोई इंसान आपके मोहल्ले में आ रहा है तो आप उनके साथ ऐसे बदतमीज़ी, तो प्लीज़ मत करो, आप अच्छे अखलाक रखो सबके साथ, चाहे वो सब्ज़ी बेचने वाले चप्पल बेचने वाले, आप कहीं पे जाओगे तो यही लेके जाओगे अपनी तरबियत अपने अखलाक ही लेके जाओगे, आप अच्छे से बात करोगे तो सामने से भी अच्छे से ही आएगा, और आप तू करोगे तो सामने से भी तू आएगा, चाहे वो बड़े एज के हो छोटे एज के हो या बहुत छोटे बड़े, डजंट मैटर व्हाट एज, समझे ना आप। मैं आपके लिए नहीं बोल रही हूँ, मैं उन लोगों के बोल रही हूँ कि जो ऐसी हरकतें करते हैं ये बिल्कुल गलत है। मैं छोड़े जी ये सब बातें, मैंने प्याज फ्राई किया और उसके बाद ना मैरिनेशन वाला वो डाल दिया, तो क्या बोलते हैं उसे, चिकन डाल दिया, उसकी पानी छोड़ी दही ने और चिकन ने खुश्क हुआ, उसके बाद मैंने 2 गिलास चावल लिए थे 4 गिलास पानी डाला उसमें चावल डाला, उसके बाद दम आने तक ना मैंने उसे पकाया 20-25 मिनट, उसमें फूड कलर फिर प्याज और धनिया सब डाला जैसे नॉर्मली हम बनाते हैं बिरयानी या यखनी, फिर वैसे ही 20 मिनट का दम दे दिया, उसके बाद चला दी, और सच में ये बहुत मज़े की अच्छी बनी थी, और आप भी ज़रूर ट्राई करें। हाँ जी, तो मेरे व्यूज़ अभी बहुत ज़्यादा कम आ रहे हैं और मैं बहुत सारे मतलब बिज़ी रहती हूँ तो इसलिए मेरे ब्लॉग्स कम आते, और वैसे भी कम आते तो कौन सा, पहले वाली वीडियो पे भी तो इतने व्यूज़ नहीं आते, तो जी प्लीज़ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और आज के लिए मेरी आवाज़ थोड़ी इग्नोर करें ना, फिर भी अभी मेरा कोल्ड है, मैंने 5% बोला पर 20% तो है ही। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई लव यू गाइज़, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्लाह हाफिज़।